अगर आपको अपने कार्य में असफलता मिल रही है, आप सफल होना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि इतने प्रयास के बाद भी कहां क्या गलती हुई कि कार्य में कामयाबी नहीं मिल रही है, तो आपको इस बुक के लेखक अंकुर वारिकू की यह बुक समरी जरूर पढ़नी चाहिए। इस बुक में लेखक ने अपनी असफलताओं और गलतियों से जो सीखा उसके अनुभव के रूप में सफलता के टिप्स, टेक्निक्स, रूटीन, हैबिट्स के बारे में बताया है। लेखक ने इस बुक में विस्तार से असफलता को सफलता कैसे बनाएं, अपनी गलतियों को कैसे सुधारें और कामयाबी हासिल कैसे करें जैसे सवालों के जवाब दिए हैं, जिसके लिए उन्होंने अपने जीवन के लाइव और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के रूप में टिप्स, आइडियाज, टेक्निक लिखे हैं जो सभी के लिए इम्पोर्टेंट और यूजफुल है। इस बुक समरी में बुक की महत्वपूर्ण बातों को प्रॉपर रूप से समझाया गया है, जिसे पढ़कर सफलता कैसे मिलेगी, असफलता को कैसे हैंडल करें और अपनी गलतियों से कैसे सीखे जो कामयाबी में बदल जाए आदि बातें पता चलेगी, जो सक्सेसफुल लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। लेखक लिखते हैं कि हम अपनी असफलता से, गलतियों से सीख कर सफल हो सकते हैं। उन्होंने समय की इम्पोर्टेंस, टाइम मैनेजमेंट को डिस्क्राइब किया है, कैसे अपनी असफलता से रिग्रेट फील ना करके उसे एक्सेप्ट करके सुधारे, हार्ड वर्क करे, उस पर वर्क करे, गलती को रिपीट ना करे बल्कि सॉल्यूशन निकाले। हमारा लक हमारे हार्ड वर्क पर डिपेंड करता है, जो हार्ड वर्क करने पर मिलता है। मनुष्य को एक जिंदगी मिलती है जिसमें हम वह पाते हैं जो हम करते हैं, वह नहीं पाते जो हम सोचते हैं कि बाद में करेंगे, क्योंकि कल का पता नहीं क्या होगा, जो करना है आज से, अभी से करें। समय बीत जाने के बाद वापस नहीं आता और एक साल बाद हम सोचेंगे कि काश वह काम उस वक्त किया होता, वो नहीं हो पाता। लाइफ में डिसिप्लिन को चूज करें, जो भी करना है कल पर मत छोड़े, क्योंकि समय चले जाने के बाद दो बातें रह जाती हैं, रिग्रेट और रिजल्ट। लेखक खुद एक डिजिटल एजुकेटर है जो एंटरप्रेन्योर, कैरियर मैनेजमेंट, पर्सनल ग्रोथ के कोर्सेज कंडक्ट करते हैं, रेगुलर पब्लिक स्पीकर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। 8000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स उनके कोर्सेज अटेंड करते हैं, 3 मिलियन से भी ज्यादा उनके फॉलोअर्स हैं। वह एक सक्सेसफुल पर्सन है। उन्होंने असफलता और अपनी गलतियों से ही सीख कर इतनी कामयाबी, पैसा, शोहरत पाई है। इस बुक में उन सभी के अनुभव बताए हैं और विस्तार से अलग अलग पॉइंट पर सारी बातें क्लियर करी है, ताकि असफलता को सफलता में बदल सके। 312 पेजेस की इस बुक में महत्वपूर्ण बातों को लेखक ने 6 चैप्टर में डिस्क्राइब किया है, जिसको इस बुक समरी में समराइज करके समझाया गया है। चैप्टर 1, सक्सेस एंड फेलियर। इस चैप्टर में लेखक ने सफलता से जुड़ी बातें बताई है और असफलता को लाभ में कैसे बदले उस पर फोकस किया है। लेखक कहते हैं, जो करना है अभी करे, आज करे, कल पर मत छोड़े, अपने लक्ष्य पर फोकस करें, जो करना है उसमें क्लैरिटी हो कि आखिर करना क्या है, प्लान करें और कार्य करें। सबके बड़े बड़े सपने होते हैं, अपने अपने लक्ष्य होते हैं, उन्हें कहीं लिखें और पूरा करने में लग जाएं। जैसे कल सुबह उठना है तो सुबह जल्दी उठें और उसे कंटिन्यू करें। अगर 5 टास्क बनाते हैं और उसके लिए टाइम मैनेजमेंट करते हैं और 5 की जगह 7 टास्क उसी समय में पूरा कर लेते हैं, तो इमोशनली, इंटरनली, फिजिकली खुशी मिलती है और हम अपने गोल पूरे करने के नजदीक पहुंचते जाते हैं। लक्ष्य पूरा कैसे और कहां से करें, उसके लिए सबसे पहले लक्ष्य में क्लैरिटी और फोकस जरूरी है। सबसे पहले गोल सेट करें और कंसंट्रेशन बनाए रखें। चाहे उसके लिए क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़े, लेकिन यह हमारे ऊपर है कि क्रिटिसाइज को हम एक्सेप्ट करें या इग्नोर करें। लेखक ने भी अपने गोल अचीवमेंट के रियल एग्जांपल्स को बुक में लिखा है। वह ट्रैवल करना चाहते थे, लेकिन थोड़े पैसों में कैसे करें, यही सोच के फोकस किया कि जितने भी पैसे हैं उसी में ट्रैवल करेंगे। उसके लिए उन्होंने टाइम मैनेजमेंट किया और जहां ट्रैवल करना चाहते थे वहां हो गए। लेखक कहते हैं, सपने जो पूरा करना चाहते हैं उसे लिखो और उस पर फोकस करो, समय मैनेज करके सपने पूरा करो। जैसे उन्होंने भारत आकर अपने ड्रीम्स पूरे किए, वो अपनी पीएचडी की डिग्री पूरी करने के लिए यूएसए गए, लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि उनको कुछ और करना है, जिसके लिए उन्होंने उसी वक्त कदम उठाया और यूएसए छोड़कर इंडिया आ गए और अपने गोल को पूरा करने में लग गए। वे कहते हैं, कल का इंतजार मत करो, जो करना है आज करो, उसी वक्त हो सके तो करो। फेलियर को कैसे हैंडल करें, अपनी असफलताओं को कैसे हैंडल करें,
वह काम करे जिससे इनर पीस मिले, खुशी मिले। 24 घंटे में हम क्या करते हैं वो महत्वपूर्ण है। जितने काम करने हैं वो सेट करते हैं और उससे ज्यादा कर लेते हैं तो एक प्रकार से इनर हैप्पीनेस मिलती है। लोग हमें प्रेजेंट से जानते हैं, हम क्या थे पास्ट में और फ्यूचर में क्या होंगे वह नहीं जानते। हमें एक ही जिंदगी मिलती है, इसलिए जो करना है आज करें। खुद से प्रश्न करें और उसके आंसर्स को रियल लाइफ में पूरा करें। खुद से कुछ प्रश्न करें, हम क्यों एक पहचान के साथ जी रहे हैं? हम क्यों एक व्यवसायी नहीं बन सकते जो कंटेंट क्रिएटर भी हो सकता है? क्यों हम नौकरी के साथ दूसरा कार्य नहीं कर सकते हैं, जैसे अपनी पेंटिंग्स ऑनलाइन भी बेच सकते हैं? हमारी एक ही जिंदगी है तो क्यों एक पहचान के साथ जिए? इन प्रश्नों के खुद ही उत्तर खोजें। अपनी पहचान को विस्तार दे, एक तक सीमित ना रखें। एक कार्य के साथ दूसरे कार्य भी कर सकते हैं, दोनों में तालमेल करके सफलता पाई जा सकती है। जन्म से कोई प्रोफेशन नहीं होता। अपनी पोजीशन पाने के लिए जीरो ऑडियंस होते हुए भी लोग हार्ड वर्क करते हैं। प्रोफेशन लोग डिसिप्लिन को चुनते हैं। एक बार सक्सेस मिल जाए तो कोई आपकी यात्रा नहीं देखता कि आपने सक्सेस पाने के लिए क्या क्या किया, कितनी तकलीफ से गुजरे, कितने सैक्रिफाइस किए, कितनी परेशानियों का सामना किया आदि। लोग सक्सेस और फेलियर बस यही जानते हैं। अगर आप सक्सेस होते हैं तो सक्सेस देखते हैं और फेलियर कहलाते हैं तो लोग असफलता देखते हैं। चैप्टर 2 हैबिट्स। लेखक ने इस चैप्टर में हैबिट सेट करने की महत्वपूर्णता और अपने हैबिट्स के बारे में जानकारी दी है। लेखक जब 29 साल के थे तो उनका जीरो बैंक बैलेंस था। वह सोचते थे कि सुखी जीवन के लिए स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, पार्टी जरूरी है और उनको मार्क जुकरबर्ग को देखकर शर्म महसूस होती थी। उन्होंने कई गलतियां की, वे अपनी एजुकेशन पूरी करना चाहते थे। वे अपनी असफलता और गलतियों से सीख लेकर उन्होंने अपनी हैबिट सेट किए और सफलता प्राप्त की। वे कहते हैं कि टारगेट से ज्यादा इम्पोर्टेंट है हैबिट सेट करना। उनके कुछ हैबिट्स जो उन्होंने सेट किए, एक, उन्होंने 3 नोटबुक बनाई जिसमें वह डेली रूटीन फॉलो करके लिखते थे। अपनी आइडिया की नोटबुक, दिन में जो जो करना है उसकी लिस्ट बनाना उसकी एक नोटबुक। अपनी मीटिंग के नोट्स की नोटबुक। 2, कैलेंडर में इम्पोर्टेंट बातें लिखना एवं हाइलाइट्स करना। 3, अपने काम के लिए हार्ड वर्क करना ताकि अपने लक्ष्य को पूरा कर सके। लेखक समय को महत्व नहीं देते थे जिससे उनको पैसे कमाने में असफलता मिलती थी। अपनी गलती से सीखा कि समय की महत्ता क्या है और समय के सदुपयोग से ही पैसे कमाए जा सकते हैं। टाइम इज इक्वल टू मनी। पैसे कमाना इम्पोर्टेंट है और उससे भी इम्पोर्टेंट है सही जगह इन्वेस्ट करना। मनी सेव करना जरूरी है लेकिन सही इन्वेस्ट भी इम्पोर्टेंट है ताकि फ्यूचर अर्निंग्स हो सके, जिसके लिए कल का इंतजार नहीं करना चाहिए, आज ही करें। लेखक लिखते हैं कि उन्होंने अपनी डेली रूटीन में ही अपने हैबिट्स को सेट किया है, जैसे रोज किताब पढ़ना, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना उनके हैबिट्स में शामिल है जिसे वो डेली फॉलो करते हैं। अच्छी हैबिट्स को इम्पोर्टेंस देकर उसे जीवन में अपनाना चाहिए। चैप्टर 3 अवेयरनेस। इस चैप्टर में लेखक ने अवेयरनेस को चॉइस से जोड़ा है। कुछ भी डिसीजन ले या चुने तो सतर्कता से चुने, जैसे मनी इन्वेस्ट करना है तो सोच समझ कर सही जगह इन्वेस्ट करें। कोई कोर्स या कार्य करना है तो पूरी नॉलेज के साथ सही चुनाव करें। एग्जाम्पल के रूप में बच्चों के पेरेंट्स बच्चों के लिए सब्जेक्ट की चॉइस बच्चे के इंटरेस्ट और बच्चे के स्वभाव को जान समझ कर करें जो बच्चे के लिए सही होगा। इसके विपरीत बच्चे अगर बिना इंटरेस्ट और पसंद के सब्जेक्ट लेते हैं तो डिप्रेस फील करते हैं। चैप्टर 4 एंटरप्रेन्योर। इस चैप्टर में लेखक ने अपने व्यवसाय के अनुभवों के बारे में बताया है, साथ ही बताया है कि उन्होंने अपनी गलतियों से कैसे सीखा और उसे अपने व्यवसाय में शामिल किया, जिसकी वजह से आज वह एक सफल एंटरप्रेन्योर भी है। लेखक को अपने बिजनेस में बहुत असफलता का सामना करना पड़ा, जिसके लिए वे अमेरिका भी गए, मनी इन्वेस्ट किया, कितनी बार इन्वेस्टर को मनाया लेकिन उन्हें असफलता मिली। फिर उन्हें अपने द्वारा की गई मिस्टेक्स पता चली और उस पर फोकस करके उन्होंने अपने एंटरप्रेन्योरशिप को सफल बनाया। वे कहते हैं, प्रैक्टिस करें,
अपने कार्य को अचीव करने पर फोकस करें। उनका कहना है, स्टार्ट टुडे, जो करना है आज ही कर लो। व्यवसाय हो या कुछ और, प्लान करो, रूटीन बनाओ, हैबिट सेट करो और देखो कैसे बदलाव आता है। चैप्टर 5, मनी। इस चैप्टर में लेखक ने पैसों से संबंधित अपनी गलतियों, इन्वेस्टमेंट और सीख जो उन्हें मिली आदि को विस्तार से समझाया है। समय का सदुपयोग करके मनी को सही जगह इन्वेस्ट करना सीखें। सेविंग इम्पोर्टेंट है, साथ ही सही जगह मनी इन्वेस्ट करना सफलता दिलाता है। अपनी गलतियों से सीखें। अगर गलत जगह मनी इन्वेस्ट करके लॉस हुआ है और पैसे डूब गए तो उसे दोहराएं नहीं, रिपीट ना करें, बल्कि सीख लें और राइट डिसीजन लेकर मनी का सही प्रयोग करें। खुद से रिसर्च करना सीखें, सही उपयोग सही जानकारी से ही होगा। चैप्टर 6, रिलेशनशिप। इस चैप्टर में लेखक ने रिलेशनशिप की मूल बातों को बताया है। उन्होंने अपनी और दूसरों के रिश्तों के बारे में मुख्य बातें बताई है। परिवार इम्पोर्टेंट होता है, उनके साथ समय बिताएं, यह नहीं सोचे कि टाइम आएगा तो परिवार के साथ बैठेंगे, बात करेंगे, कहीं जाएंगे, खुशी मनाएंगे, जो करना है आज करें। रिलेशन में टाइम और लाइफ को बैलेंस करना सीखे, क्योंकि किसी के चले जाने पर वे वापस नहीं आते और समय एक सा नहीं रहता है, समय बीत जाने पर वापस नहीं आता। अगर आप सभी से मिलते हैं तो निसंदेह आप अपने लिए एक जीवन साथी का चुनाव कर लें। किसी से कुछ बिना एक्सपेक्ट किए शेयर करें। अगर आप एक्सपेक्टेशन करके शेयर करते हैं तो वह शेयरिंग नहीं है, ट्रांजैक्शन है। रिश्तों में दूरी बनाने का मतलब ये नहीं कि हम केयर नहीं करते, इसका मतलब है कि हम खुद की भी केयर कर रहे हैं। खुद के साथ भी हमारा एक रिश्ता है। हमारा लक हमारे एक्शन बताते हैं। अगर हम हार्ड वर्क करते हैं तो रिजल्ट के रूप में हमारा लक साथ होगा। निरंतर प्रयास करते रहने से ही चमत्कार होते हैं। एकदम से कोई चमत्कार नहीं होता, सक्सेस नहीं मिल जाती। अपने डिजायर को जितना फोकस करके खुद का समय उसे पूरा करने में लगाएंगे तो डिजायर ही नहीं रहेगा, पूरा हो जाएगा। अगर हम खुद से सवाल नहीं पूछेंगे तो आंसर हमेशा नो ही होगा। इसलिए जो भी करना है, इनर थॉट्स को इम्प्लीमेंट करो, टुडे से स्टार्ट करो, कल का कुछ पता नहीं। अपनी मिस्टेक से सीख लो, डेली रूटीन बनाओ, अपने हैबिट सेट करो, सफलता जरूर दिलाएगा।